हमने पहले ही कहा कि राधा को तेल भी होगा, राधा नाचेगी भी और उनके सर पर नाचेगी। भ्रमित कर रहे हैं कि नहीं भाई गुड्डा कॉलेज को पैसा देना होगा, यह काम पहले ही दो बार हेमंत जी धोखा दे चुके हैं। हमें लगता है कि एक झूठे आदमी की ये सारी बातें हैं जो दुनिया को झूठ बोल के ही ठगा, एक बार और ठगने का प्रयास है। अगर पिछली सरकार ने फॉरेस्ट लैंड बदलने के लिए अडानी का रातों रात भले काम कर दिया था कि भाई अडानी का फॉरेस्ट लैंड, यहाँ का फॉरेस्ट लैंड अडानी को दे दिया और उसके बदले में गुमला और गिरिडीह में फॉरेस्ट लैंड क्रिएट की, उनकी सरकार ने किया है ये मुझे पता है, उसके प्रमाण है उनके पास। लेकिन गोड्डा कॉलेज का काम क्या होगा इसके प्रमाण उनके पास नहीं है, केवल झूठी बात समाज में परोस करके किए हुए काम पर वो धूल छींटना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार की बातों को कहते हैं, उनकी बातों को तब। झारखंड में कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी गठबंधन की सरकार है और लगातार सरकार कई कामों को धरातल पर ला रही है। सभी जिलों में विकास के कामों में तेजी, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आई और हमें लगता है कि सरकार की प्राथमिकता में गोड्डा भी है और गोड्डा में भी इन 3-4 सालों में कई महत्वपूर्ण काम हुए, जैसे जल जीवन मिशन के तहत संपूर्ण गोड्डा को गंगा नदी का पानी एक घर तक पहुंचाने का निर्णय, जिसके काम भी प्रारंभ हुए हैं, 25-30% काम भी हो चुका है। फिर और कई महत्वपूर्ण काम है जिन कामों को सरकार धरातल पर ला रही है। सबसे महत्वपूर्ण काम जो ठीक आजादी के बाद से गोड्डा के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम था, मैं इस राज्य में शिक्षा मंत्री भी था लेकिन उस समय ये बातें ध्यान में नहीं, गोड्डा कॉलेज गोड्डा जो 1952 से संचालित है, कई लोग इस कॉलेज से बड़े बड़े पदों पर गए, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों सेवा के क्षेत्र से लेकर के सरकारी सेवा तक टॉप मोस्ट पदों पर भी गए हैं, कई नेता यहाँ से निकले। लेकिन ये पता नहीं था कि भाई गोड्डा कॉलेज को अपनी जमीन नहीं, जब गोड्डा कॉलेज के विकास का हमने खाका खींचने का प्रयास किया तो कई अड़चने कई बाधाएं सामने आई और उसके मूल कारण यही थे, गोड्डा कॉलेज गोड्डा को अपनी जमीन नहीं है। जो जमीन है आज से 70 साल पहले जो जिन लोगों ने कुछ लोगों ने दान में दिया था व्यक्तिगत रूप से, उसके भी कागजात नहीं है। इस क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते, गोड्डा के बारे में सोच रखने के नाते मेरे मन में यह बात आई तो इस काम को प्रायोरिटी से हमें करना चाहिए और हमने सरकार के सामने इस बात को रखा, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और गोड्डा की पूरी कहानी, गोड्डा कॉलेज गोड्डा के जो वृतांत है उसको सामने रखा। वो भी हतप्रभ रहे कि भाई वो तो पुराना कॉलेज है, वैश्विक कॉलेज है और सच में तब खोज भी थी और मैं हृदय से गोड्डा की जनता की ओर से, गोड्डा के नौजवानों की ओर से पूरी सरकार को और आदरणीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बड़ी तत्परता से, बड़ी प्रायोरिटी से उन्होंने इस काम को अपने हाथ में लिया और लगभग हम 75% की दूरी आज तय कर, जो पहले स्टेज का काम है कि भाई जितनी जमीन फॉरेस्ट का है उतनी जमीन दूसरी जगह देना, फिर सरकार के तरफ से नो ऑब्जेक्शन लगा करके भारत सरकार के पास भेजना, भारत सरकार वन पर्यावरण विभाग को भेजना, इस काम को लगभग करने में 1 साल लग गया और इस काम को सरकार ने कर दी है, जिसके पत्र हमारे पास है। 7/2023 को हाल के दिनों में संपन्न हुआ है और हमें लगता है कि यह केवल गोड्डा कॉलेज के नहीं गोड्डा के लिए बड़ा काम है। फिर कुछ शर्तें होती है फर्स्ट स्टेज का, जब भारत सरकार क्लियरेंस देती है वही जितनी जमीन यहाँ फॉरेस्ट लैंड है उतनी जमीन पर फिर फॉरेस्टेशन करना, उसके लिए पैसे जमा करना, ये सारी चीज़ें हैं, प्रक्रिया है और इसमें कोई कॉलेज को पैसा नहीं देना है। कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं कि नहीं भाई गोड्डा कॉलेज को पैसा देना होगा,
यह काम पहले ही दो बार हेमंत जी धोखा दे चुके हैं। मैं लगता है कि झूठे आदमी की सारी बातें हैं, जो दुनिया को झूठ बोल के ही ठगा, एक बार और ठगने का प्रयास है। अगर उनके पास दो बार का पहले का कागज है तो दिखाए कि पहले कोष सरकार ने इस प्रकार का किया था। किसी ने आज तक इसकी सुधि नहीं ली। हाँ, पिछली सरकार ने फॉरेस्ट लैंड बदलने के लिए अडानी का रातों रात भले काम कर दिया था कि भाई अडानी का फॉरेस्ट लैंड, यहाँ का फॉरेस्ट लैंड अडानी को दे दिया और उसके बदले में गुमला और गिरिडीह में फॉरेस्ट लैंड क्रिएट की उनकी सरकार ने किया है, ये मुझे पता है, उसके प्रमाण है उनके पास। लेकिन गोड्डा कॉलेज का काम क्या होगा, इसके प्रमाण उनके पास नहीं है। केवल झूठी बात समाज में परोस करके किए हुए पानी में, किए हुए काम पर वो धूल छींटना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार की बातों को कहते हैं। उनकी बातों को तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बड़ा काम है और सरकार ने जब किया है तो उन्हें पता होना चाहिए कि पूरा पैसा सरकार देगी, विभाग देती है, और शिक्षा विभाग यानी मतलब सरकार देती है, उच्च शिक्षा विभाग यानी डिपार्टमेंट देती है, और ये सारे काम होंगे। और हमें लगता है कि जल्दी यह जमीन गोड्डा कॉलेज को हस्तांतरित होगा। और मैं आपको बताऊं कि बेहद खुशी होगी कि गोड्डा केवल जमीन ही नहीं, 150 करोड़ का एक पूरा DPR गोड्डा कॉलेज का, जिसमें सारे फैकल्टीज, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, बायो हो, बीएड हो, खेल मैदान हो, प्रयोगशाला हो, मल्टीपर्पज हॉल हो, तमाम चीज़ों को एक साथ बनाने का सरकार ने फैसला लिया है। और हमें लगता है कि जल्दी ही 2-3 महीने के अंदर स्वयं मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस गोड्डा कॉलेज की फिर से एक बार ईंट डालने मैं आऊँगा, बुनियाद डालने, जो एक समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी करके गई थी, फिर से दोबारा यह सरकार करेगी। मैं हृदय से बधाई देता हूँ बड़े काम के लिए। और इसलिए मैंने कहा कि कुछ लोग जो भ्रमित कर रहे हैं बातों से, उनके भ्रम में नहीं आया, यह काम गोड्डा के लिए है, गोड्डा के नौजवानों के लिए है, गोड्डा के आमजनों के लिए।